अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए जारी है भारत का मेगा अभियान। देर रात 3 विमानों से दिल्ली लाए गए 135 लोग। आज सुबह भी अफगानिस्तान से लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचेगा एक विमान। आज होना है कुल 146 लोगों का रेस्क्यू। रविवार को भी 400 लोग अफगानिस्तान से लाए गए भारत। 329 भारतीयों समेत हिंदू और अफगानी सिख भी सुरक्षित निकाले गए। रविवार को अफगानिस्तान के 2 सांसदों को भी सुरक्षित लाया गया दिल्ली। नरेंद्र सिंह खालसा और अनारकली कौर हुन्नयार ने पीएम को कहा शुक्रिया। अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर तक पहुंचा तालिबान। अहमद मसूद और समर्थकों को दी हथियार डालने या जाम भुगतने की धमकी। विद्रोहियों के नेता अहमद मसूद की तालिबान को खुली चुनौती। कहा, जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अहमद मसूद के मुताबिक उनकी लड़ाई सिर्फ पंजशीर नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए। तालिबान को नहीं करने देंगे कब्जा। अहमद मसूद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांगी मदद। कहा, ज्यादती के खिलाफ अफगानों का दें साथ। अफगानिस्तान के अन्य प्रांतों से तालिबान विरोधी भी पहुंचे हैं पंजशीर। विद्रोही नेता मसूद ने दी है शरण। अफगानिस्तान में जल्द ही नई सरकार के गठन की तैयारी। तालिबान के अफगान नेताओं से जारी है बातचीत। अफगानिस्तान से रेस्क्यू के दौरान अफगान महिला ने दिया बच्ची को जन्म। अमेरिकी सेना का दावा, C-17 विमान में हुआ जन्म। भारत लौटे लोगों ने बयां किया अफगानिस्तान का हाल। बोले, खतरनाक स्थिति, लोगों को पीट रहे हैं तालिबानी। कई लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे। तालिबान की दहशत के चलते देश छोड़ने के लिए मदद का इंतजार। अफगान वायुसेना की पहली महिला पायलट निलोफर रहमानी को डर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा महिलाओं को खतरा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए विमान सेवा अस्थायी रूप से की बंद लेकिन तालिबान को लगातार दे रहा है समर्थन। दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर के नरौरा में होगा अंतिम संस्कार। शनिवार को लखनऊ में हुआ निधन। आज दोपहर अतरौली स्टेडियम से नरौरा के लिए रवाना होगी कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा। नरौरा के गंगा घाट में दी जाएगी मुखाग्नि। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी। रविवार को अतरौली में किए अंतिम दर्शन। अंतिम संस्कार में लगेगा बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, भगवान राम दें दिवंगत नेता को चरणों में स्थान। रविवार को लखनऊ से अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर। रात भर जारी रहे अंतिम दर्शन। मायावती और अखिलेश यादव ने भी दी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। 24 अगस्त तक बीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक। आज सारे स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद रहेंगे। जातीय जनगणना की मांग के साथ आज पीएम मोदी से मिलेंगे नीतीश कुमार। चिट्ठी लिखकर मांगा था मुलाकात का वक्त। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश के साथ पीएम से मिलेंगे 10 अन्य दलों के नेता। तेजस्वी भी होंगे साथ।